हम सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ ममता जी को, ममता बनर्जी और चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर जिला में चालू किया, लेकिन आज स्पेशली दार्जिलिंग में हो रहा है, कालिम्पोंग में हो रहा है, इसीलिए कि यहाँ शुद्ध इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन लोग अभी ट्रेनिंग होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ 22 साल बाद ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, 40 साल बाद पंचायत समिति का इलेक्शन हुआ है, तो जो नवनिर्वाचित जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को इसलिए ट्रेनिंग किया जाता है, कैसे पंचायत का काम होगा, क्या जुरिडिक्शन इन लोगों का है, कैसे इन लोग काम करेंगे, हमारे पंचायत दफ्तर के साथ तालमेल मिला के कैसे काम करेंगे, इसलिए हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे पंचायत मंत्री उन्होंने खुद आए हैं, उन्होंने खुद आज स्पीकर था, उन्होंने समझाया, आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी भी चलेंगे, होल डे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे, इसके वजह हम लोग गांव को कैसे आगे ले जा सके, इसका ही विकास के लिए जो प्रोग्राम है वो काम होगा। अनिक थापा जी, ममता दी, दोनों मिल के हम लोगों का जो प्रोग्राम है बाहर का विकास, वो विकास हम लोग हर कार्यक्रम में लेके जाएंगे। सारे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, लेकिन स्पेशली यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ इतना दिन बाद इलेक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ हो रहा है, यहाँ आर भी एक हो रहा है, दूसरी जगह पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को हो रहा है, यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द ऑफिसर्स ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट हु इज कनेक्टेड विद द पंचायत डिपार्टमेंट, उन लोगों का भी ट्रेनिंग हो रहा है। और राज्य पंचायत উন্নয়নের একটি অংশ যদি থাকে পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী কেন্দ্র পয়সা বন্ধ করে রেখেছে, রাজ্য চেষ্টা করছে পয়সা নিয়ে আসার, কিন্তু সেই জায়গাটাতে রাজ্য কতটা সফল হবে, কারণ আপনি 1-3 তারিখে देखिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, बहुत दिन से सेंट्रल से पैसा सारे बंद करके रखा है, लेकिन बंगाल का विकास, बाहर का विकास कभी बंद नहीं हुआ है, विकास चलते ही रहेंगे। प्रदीता सुनिए, बाहर में तो इतना साल बाद पंचायत चुनाव होने जा रहा है, हो गया। नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। इतना वैकेंसी है, इतना वैकेंट है, गभर्नमेन्टको कुछ मालूम है या क्या? जरूर जरूर मालूम है, इसके लिए हम लोग प्रिलिमिनरी हिसाब कर चुके हैं, असेसमेंट किए हैं, उसके प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अप्रूव किए हैं, अभी ये फॉर्मली कैबिनेट होगा, उसके बाद हम कल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनिक थापा जी को हम बोले हैं, वो स्टेट लेवल कमिटी हुआ है, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमिटी होगा, वो लोग तैयार रखेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, वहाँ से ये लोग इंटरव्यू करके अपॉइंटमेंट होगा, उसके प्रोसेस प्लानिंग हो गया है, अभी जो कैबिनेट अप्रूव अप्रोक्स कितना कितना वैकेंट पोस्ट है? देखो 100 दिनेर काज बाबद MGNREGA এর অ্যাকাউন্টে 6910 কোটি টাকা, ধরুন 7000 কোটি টাকা, মনে রাখার সুবিধা হবে। আর আপনারা জানেন যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন 1985 সালে শুরু করা ইন্দিরা আবাস যোজনার নাম পরিবর্তন করে দেন 2016 সালে, তখন থেকে উনি বারংবার বলেছিলেন কি যে ওনার নামাঙ্কিত এই আবাস যোজনা 2022 কে আন্দর মে, কিউকি 2022 কিউ, কিউকি 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স জব হোগা তব হরেক গরিবো কো, শহর মে রহতে হো, ঝুগি ঝুপড়ি মে या गांव में रहते हो, उनको सबको हम पाका छात देंगे, पाका घर देंगे, वो घर में नल होगा, नल में जल होगा, सौभाग्य का विद्युत होगा और शौचालय होगा और गैस का चूल्हा होगा 22 साल के अंदर। बोले थे 16 में, 18 में, 17 में, मन की बात में आप लोग खोल के देख लीजिएगा, बारंबार यही वो एश्योरेंस दिए थे, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री खुद चिट्ठी लिखे थे प्रधानमंत्री जी को, फिर खुद जाके एक दफ़े उनसे मिले और उनका दृष्टि आकर्षण किए थे कि जो अप्रूव्ड मैंडेज में जो काम कर चुके हैं उनका मजूरी नहीं मिल रहा है,
और जो आवास देने के आप अंगीकार किए थे, एश्योरेंस दिए थे 2016 में, उसका लिस्ट आप खुद मंगाएं गांव से और उसमें कोई असर नहीं पड़ा, आज तक कोई अप्रूवल नहीं आया। उसके बाद नवंबर महीना में 2022 में हमें 11,36,000 आवास का बरद अलॉटमेंट मिला था और उसके साथ शर्त दिए थे ये कि एक महीना के अंदर में सब उसको फिर इंस्पेक्शन करके कंप्लाई करना पड़ेगा, 4 साल में अगर कोई परिवर्तन हो तो उस पर बात देना पड़ेगा। तो हम लोग एक महीने के अंदर में 11,00,000 के ऊपर नाम उठा दिए थे अप्रूव करके। उसका 7 दिन में पैसा आना था 8,400 रुपया भारत सरकार से, एक पैसा आया नहीं। और उन्होंने 69 सेंट्रल टीम्स भेजे थे कि ये जो हम लोग छान, मार्च 23 में 14 टीम आया था, एक भी रिपोर्ट नहीं दिया 14 टीम का। वो लोग आए थे देखने के लिए, जब पहले जो टीम आया था वो जो लिखे थे इनका कोई गलती नहीं है तो वो सही है या गलत है, फिर भी पैसा नहीं आया। तो आपका प्रश्न का यही उत्तर होता है, 7,000 रुपया MGNREGA के बकाया है और आवासन के लिए केंद्रीय सरकार का देने का, जो हमारे टैक्स से निकाल के ये लोग प्रकल्प के माध्यम से उनका सहायता बोल के देते हैं, उसमें 8,400 रुपया मिलने को था और जो राज्य सरकार का था वो फर्स्ट फेज में 1,400 करोड़ रुपया हमारा खाता में जमा कर दिए थे ताकि ये काम हो सके तुरंत, ताकि जो हम लोग अनुमोदन दिए थे पोर्टल में उठाए थे, अगर केंद्रीय सरकार का पैसा आ जाए कोई देर ना हो, मगर आज तक एक पैसा नहीं। तो इसके लिए जो NREGA का जो पैसा रुका हुआ है वो सेंट्रल रुका हुआ है, तो आपके पक्ष से इसके लिए क्या मतलब तैयारी करवाया? बहुत सारे चिट्ठियां लिखे हैं, मैं खुद जाके ग्रामोन्नयन मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने एश्योरेंस दिए थे कि आप पश्चिम बंगाल में कोई तकलीफ नहीं है, जितने भी हम लोग का शक था उसका उत्तर दे चुके हैं, आप छोड़ेंगे, तभी ना ये 11,00,000 का मिला था। हम 7 नवंबर को मिले थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसके पहले चिट्ठी भी दिए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, हमारे फिर भी कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं छोड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जितने भी BJP का समर्थक जो मिल पश्चिम बंगाल से जो उम्मीद यहाँ से जीते थे, जो जितने उम्मीदवार वो 18 से अभी 16 हैं MP और 70 करीबन उनका MLA है, ये लोग पश्चिम बंगाल को पैसा रोकने के लिए वहाँ जाके उनके निवेदन करते हैं। ये तो जब हमारे MP साहब जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बैनर्जी ने 25 हमारे MP राज्यसभा और लोकसभा लेके गए थे, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी से मिलने के लिए, 2 दिन पहले हमारे जो लीडर ऑफ दी पार्टी हैं पार्लियामेंट में वो चिट्ठी लिख के सूचना दिए थे, मगर जब पहुँचे ये 25 MP अभिषेक बैनर्जी के साथ, तब वो मंत्री दिल्ली में रहते हुए उनसे नहीं मिले क्योंकि उनको कैफियत देने के लिए जवाब नहीं था। फिर उसके बाद किस तरह इन्होंने अन्याय करके राजनैतिक कारण प्रतिहिंसा लेने के लिए 21 में उनका सपना चूर चूर हो गया था, उसलिए बंद कर दिए हैं। इसी का फल तो देखे हैं ना पंचायत निर्वाचन में क्या हुआ। तो उसके बाद भी इनका अभी तक एक पैसा नहीं छोड़ा है, उसी लिए हम लोग जा रहे हैं 1 तारीख दिल्ली में, 2 तारीख वहाँ हम लोग को फिर ग्रामोन्नयन मंत्री से मिलने का हम लोग अनुरोध किए हैं और 50,00,000 जो वंचित हुए हैं उन लोगों से चिट्ठी लेके दरखास्त लेके हम लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन इस वक्त आपके साथ जो अलायंस अजीत जी है, मैं उम्मीद है किस
देख रहे हैं 2024 के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्यों आप लोग को जितना डेवलप करना कर लिया और कर भी चुके हैं और कर रहा भी है, 24 की उम्मीद क्या देख रहा है, अनिल जी को भी देखिए हार के आगे जीत है, विकास का हार चुके हैं, विकास का काम कभी खत्म नहीं होता है, विकास चलते ही रहता है और इसके लिए ममता बनर्जी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ का जो GTA का जो चेयरमैन है CEO है अनिल थापा जी हाथों हाथ मिला के एक साथ पहाड़ का विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो जो वैकेंसी है पंचायत में जो वैकेंसी है गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है कितना अप्रोक्स कितना वैकेंसी ये असेसमेंट चल रहा है। ये तो देखिए पंचायत निर्वाचन नया नया हुआ है, हमारे जो जितने सैंक्शनड है जितने ज़रूरत है नया जो प्रकल्प है किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा ये सब असेसमेंट चलता रहता है। हम लोग इतना साल बाद पंचायत चुनाव तो हो गया लेकिन इससे आगे तो कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था, लेकिन TMC का ही पार्टी पूरा एलिगेशन लगा रहा था कि आपका पंचायत में पूरा घोटाला है। हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, इसके लिए कल यस्टरडे हमारे मिनिस्टर अनिल थापा जी सारे जो ऑफिशियल्स है हम लोग बैठे थे, हम लोग बैठ के बात किया है। नहीं इससे आगे तो पंचायत में कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं था लेकिन एलिगेशन है तो पंचायत में बहुत सारा घोटाला है, अब तो इलेक्टेड बॉडी हो गया, क्या आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी कोई बैठाया बिठाने का कोई ऐसे भाषण देने से तो घोटाला बंद नहीं होगा ना। TMC पार्टी ने एक मिनट आपका अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट हो तो दीजिए, हम लोग उसका जवाब देंगे जाँच करके। ये जो बताया ना आपको 69 था ऐसा घोटाला का, वो स्पेसिफिक कुछ चार्ज दिए थे उनको, इसका सच्चाई नहीं मिला तभी तो ये लोग जो महोस हो गए, ये क्या बात है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो 14 टीम भेजे थे मार्च में जो जॉइंट सेक्रेटरी और अबाव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे ये देखने के लिए सही लिखे हैं जो पहले आए थे या नहीं, उसमें भी कुछ झूठ नहीं निकला तो उसी वास्ते ये चुप हो गए। तो पंचायत भैया यहाँ तो पंचायत था ही नहीं, वही तो ग्राम पंचायत 20 साल नहीं था, पंचायत समिति 40 साल नहीं था, तो अभी होने हैं, हम लोगों को बहुत सारी उम्मीद है, हम लोग आगे जाएंगे विकास करेंगे। इसके बारे में पूछिए हमारे 100 डेज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दे रहे, हमारे आवास योजना का पैसा नहीं दे रहे, क्या सारे गवर्नमेंट का जितना हम लोगों का हक है जो पैसा हमारे यहाँ से लेके गया है वो पैसा हमको दे नहीं रहा है। इतना दिन ममता दीदी ने लेटर लिखा था, प्राइम मिनिस्टर से भेंट किया था, कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग आंदोलन में जा रहे हैं, ये आंदोलन दिल्ली में ही होगा। किस टाइप का आंदोलन होगा, किस टाइप का आंदोलन होगा, आंदोलन होने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। नजर रखिए जिस तृणमूल कांग्रेस कैसा आंदोलन कर सकता है, सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, बंगाल में हर ब्लॉक में होगा, एवं कि पहाड़ में हर ब्लॉक में अनिल थापा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन होगा। कब जाएंगे सुनो 1988 যেটা অ্যাক্ট হয়েছিল সেখানেই এটা কনস্টিটিউশনাল 6th শিডিউলে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল এবং ওটা তো আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না, সেখানে জেলা পরিষদের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল GTA মানে এখন GTA তখন যে হিল কাউন্সিল ছিল, ঠিক আছে। তো তার ফলে যদি থ্রি টায়ার করতে হয় মানে জেলা পরিষদ করতে হয় তাহলে আমাদের কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ড করতে হয় এবং এই গ্রাউন্ডে আমরা যখন অ্যামেন্ডমেন্ট আনলাম যাতে টু টায়ার ইলেকশন করা যায়, জনপ্রতিনিধিরা গ্রাসরুট থেকে যাতে স্বায়ত্তশাসনে আসতে পারেন, তখন যে বিরোধিতার কথা আমি বললাম সেই বিরোধিতা হয়েছিল এই গ্রাউন্ডে এবং সকলেই বলছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু করেননি। আমরা তথ্য দিয়ে বলে দিয়েছিলাম যে কবে আমরা ভারত সরকারকে লিখেছি, কবে কবে আমরা রিমাইন্ডার দিয়েছি, তারা কিচ্ছু করেননি। সেই জন্যে এখানে না বলে আপনাদের নিজেদের গুরুরা ওখানে আছেন ওদের সঙ্গে কথা বলুন। এই হচ্ছে দিল্লি কব যাবেন, দিল্লি কব